children, hi, come back to today's class. I am Bhagyashree Chavan from Nagesh Karasgi Orchids. Come on, let's start today's class. First, as usual, join your hands, close your eyes, join your hands, get ready for Vakratunda Mahakaya. Ready? Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahmaha Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shanti 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 Slowly open your eyes. Okay. बच्चों लास्ट पीरियड में हमने अलंकार और उसके पैटर्न्स सीखे थे और उसकी प्रैक्टिस भी हमने की थी, लेकिन इस पीरियड में हम देखेंगे बीट। बीट मींस ताल। ताल के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ताल मींस बीट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ताल लिटरली मीन्स अ क्लैप, टैपिंग वन्स हैंड ऑन वन्स आर्म, अ म्यूजिकल मेजर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू रेफर टू म्यूजिकल मीटर, दैट इज एनी रिदमिक बीट और स्ट्राइक दैट मेजर्स म्यूजिकल टाइम। मतलब संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहते हैं या बीट कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में ताल का बहुत बहुत महत्व है। ताल किस लिए चाहिए म्यूजिक में? क्योंकि म्यूजिक, जो भी हम संगीत सीखते हैं या जो भी हम गीत गाते हैं, उसको और रंजक बनाने के लिए और उसमें और रस क्रिएट करने के लिए इस ताल का उपयोग किया जाता है। फिर ये ताल किस पे बजते हैं? मृदुंग, तबला, ड्रम्स, इस पे जो म्यूजिकल बीट बजते हैं उसे ताल कहते हैं। आज हम सीखेंगे जो भी हम अलंकार अब तक सीखे हैं। लास्ट पीरियड में मैंने आपको अलंकार और उसके पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उसका हमने प्रैक्टिस भी किया था। इस क्लास में हम वही अलंकार पर बीट में कैसे गाते हैं ये सीखेंगे। फर्स्ट अलंकार है, स्क्रीन पर देखिए, वन बीट में वन नोट या वन गाना है। मींस एग्जाम्पल देखिए, बीट मींस वन टू थ्री फोर, ये जो बज रहा है इसको बीट कहते हैं। अब इस बीट में जो भी हमने अलंकार आरोह अवरोह सीखे हैं इसी को गाना है, लेकिन एक बीट में जो टाइमिंग रहता है वो हर एक बीट में सेम रहना चाहिए। पहले हम बीट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम अलंकार इसमें सीखेंगे। रेडी? पहले बीट मेरे साथ बजाना है। देखो, वन टू थ्री फोर, वंस अगेन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये कंटिन्यू रहना है, रखना ही है ऐसे, वन टू थ्री फोर। अब इसमें जो हमने आरोह अवरोह सीखे हैं, सारे गामा पधनिसा, ये गाना है। देखो कैसे गाना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। समझ में आ रहा है? फिर से करेंगे, कंटिन्यू, वन टू थ्री
4. Ready? Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. Gao. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हारमोनियम पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे. आप ताल कंटिन्यू रखना है. रेडी? आरोह अवरोह विद हारमोनियम. ताल को कंटिन्यू रखना है. वन सा. रेडी? Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. अभी हमने आरोह अवरोह गाया है. सेकंड अलंकार गाने की कोशिश करेंगे. देखो, सा सा रे रे. अब ये सा सा रे रे कैसे गाना है? बीट 1 2 3. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी दा दा प प म म ग ग रे रे सा सा. फिर से एक बार बीट बीट देना है. रेडी? अब इसमें सेकंड अलंकार गाना है. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा. हमने अलंकार गाए हैं, इसमें एक लय क्रिएट होता है, एक स्पीड क्रिएट हुआ है. आपके समझ में आ रहा है? जैसे सा सा रे रे, इसको कहते हैं एक स्पीड, लय. संगीत में इसको लय कहते हैं. अब हमने जो वन बीट वन नोट ये जो हमने गाया है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्पीड. फर्स्ट लय, पहला लय, फर्स्ट स्पीड. अब जो हम गा रहे हैं वन बीट वन नोट, ये फर्स्ट स्पीड में गा रहे हैं. देखो, सा सा रे रे ग ग म म, ये लय है, ये फर्स्ट लय है, इसको कहते हैं स्पीड. अब फर्स्ट स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे सा सा रे, लेकिन फर्स्ट इसके आगे भी और स्पीड है, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड. इसलिए जो फर्स्ट स्पीड है वो हमें स्लो ही लेना है. जैसे सा सा, आप फर्स्ट स्पीड में क्या है, फर्स्ट
फर्स्ट स्पीड में वन बीट वन नोट ध्यान में रखना है और वैसे ही प्रैक्टिस करना है। स्क्रीन पे देखो अलंकार थर्ड, स्क्रीन पर देखिए अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट बीट फर्स्ट नोट रेडी, बीट कंटिन्यू रखना है। देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सा रे रे ग ग मा मा प प ध ध नी नी सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा कंटिन्यू। नेक्स्ट अलंकार, अलंकार फोर सा ग रे म, लास्ट टाइम हमने सीखा था सा ग रे म, अभी इसी बीट में इसको गाना है। देखो बीट कंटिन्यू रखना है, वन टू थ्री फोर, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रेडी कंटिन्यू। प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है समझने में भी और गाने में भी। वंस अगेन रेडी बीट कंटिन्यू, अलंकार ओके। नेक्स्ट अलंकार जो है आप पैटर्न्स बनाकर ऐसे वन बीट वन नोट में प्रैक्टिस करना है। आप इसके आगे अब तक हमने वन बीट वन नोट मींस फर्स्ट स्पीड सीखा है, अब हम इसके आगे सेकंड स्पीड सीखेंगे। सेकंड स्पीड मींस वन बीट टू नोट्स, टू नोट्स मीन्स स्वर्स, टू स्वर्स लाइक दिस वन वन बीट वन टू, एक बीट में दो स्वरों को गाना है, वन टू थ्री फोर, वन टू सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। फिर से एक बार हारमोनियम के साथ बीट देना है मेरे साथ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 इसमें आपको एक बात समझ में आई होगी, जैसे कि फर्स्ट बीट में क्या होता है, एक बीट पे हम एक नोट गाते हैं, जैसे सा रे ग म। अब सेकंड स्पीड में क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। जैसे ही हमने एक बीट में दो स्वर लिए तो उसकी स्पीड बढ़ गई। देखो सा रे ग म, सा रे ग म, बीट की स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड कौन सी बढ़ती है, जो हम गा रहे, हम जो गा स्वर गा रहे उसकी स्पीड बढ़ रही है। देखो फिर से एक बार, वन टू थ्री फोर। सा रे ग म, सा रे ग म, सा रे ग म, सा रे ग म, प ध नी सा। सेकंड सा रे ग म प ध नी सा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीट सेम चल रहा है, उसका जो मीटर है कंटिन्यूसली एक जैसे, जैसे मशीन काम करती है वैसे ही, वन टू थ्री फोर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ हो रही है, जो हम नोट्स गा रहे, जैसे कि फर्स्ट बीट में एक बीट गा रहे थे, जैसे फर्स्ट बीट वन बीट वन नोट, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। अब सेकंड स्पीड, सेम बीट कंटिन्यू, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करना है, रेडी। बीट कंटिन्यू एक जैसे ही रखना है, फर्स्ट स्पीड, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली सेकेंड स्पीड, रेडी, वन बीट वन नोट। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। फिर से एक बार, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ऐसे ही जो दो तीन अलंकार अभी मैंने दिखाए हैं, वही इसमें गाना है सेकंड स्पीड में। स्क्रीन पे देखिए अलंकार थर्ड। अब ये अलंकार फर्स्ट स्पीड फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड स्पीड में गाना है। पहले फर्स्ट स्पीड में वन बीट वन नोट, फिर उसके बाद
वन बीट टू नोट्स टू स्वराज रेडी बीट कंटिन्यू रखना है वन टू थ्री फोर इसकी स्पीड थोड़ा हम कम ही लेंगे क्योंकि आगे जैसे भी हम गाने वाले हैं स्पीड्स बढ़ाने वाले हैं तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और हमें गाने में तकलीफ होगी इसलिए जब भी हम स्पीड फर्स्ट लेते हैं वो कम ही लेना है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फर्स्ट स्पीड सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा अब अलंकार थर्ड गाना है अलंकार थर्ड कौन सा है सा रे रे ग अब पहले इसको फर्स्ट स्पीड में गाना है मिस सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म म सेकेंड स्पीड वन बीट टू नोट सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा फिर से एक बार सा अलंकार नेक्स्ट फोर्थ अलंकार रेडी फर्स्ट फर्स्ट स्पीड देन सेकेंड स्पीड सा बीट कंटिन्यू रखना है वन टू थ्री फोर सा रे सा ग रे म ग प म सेकेंड स्पीड वन बीट टू नोट सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा ओके अब इसके बाद थर्ड स्पीड मींस वन बीट फोर नोट्स जैसे कि अभी फर्स्ट बीट फर्स्ट नोट फर्स्ट बीट टू नोट्स सेकेंड स्पीड और फर्स्ट बीट फोर नोट्स थर्ड स्पीड ऐसे तीन स्पीड म्यूजिक में है अब हम सीखेंगे थर्ड स्पीड में क्या करना है एक बीट में फोर नोट्स गाने हैं जैसे बीट सेम रहेगा बीट का टेम्पो या बीट का स्पीड बिल्कुल नहीं बदलना है बदलना क्या है सिर्फ जो हम नोट्स गा रहे हैं वही बदलेगा उसकी स्पीड बदल जाएगी जैसे कि हमने फर्स्ट स्पीड में वन बीट वन नोट गाया है वन सा रे ग म फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड सारे ग म थर्ड स्पीड सारे ग म वन बीट में फोर नोट्स फिर से एक बार देखो फर्स्ट स्पीड वन बीट वन नोट सेकेंड स्पीड वन बीट टू नोट्स सारे थर्ड स्पीड में वन बीट फोर नोट सारे ग म अंडरस्टैंड
एक बार फिर से गाएंगे अलंकार थर्ड स्पीड में, स्पीड बीट कंटिन्यू रखना है। देखो मेरे साथ गाओ, 1 2 3 4, पहले फर्स्ट बीट, सेकंड स्पीड, फिर उसके बाद थर्ड स्पीड गाना है। थर्ड स्पीड याद रखना है, 1 बीट 4 नोट्स। गाने की कोशिश करो मेरे साथ, रेडी, 1 2 3 4। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। सेकंड स्पीड, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। थर्ड स्पीड, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। समझ में आ रहा है? अब अलंकार गाएंगे, थर्ड अलंकार, सा रे रे ग ग म, स्क्रीन पर देखिए। अब इसको फर्स्ट स्पीड गाना है, सेकंड स्पीड गाना है और थर्ड स्पीड गाना है। बीट कंटिन्यू रखना है, बीट में कोई चेंजेस नहीं। बीट 1 2 3 4, आरो आरो 2 3 4, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा, सा नी नी ध प प म म ग ग रे रे सा। सेकंड स्पीड, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा, सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। अब थर्ड स्पीड, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ऐसे ही जो बाकी के अलंकार मैंने अब तक सिखाए हैं, ऐसे ही फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड में आप घर में प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पीरियड में भी मैं आपको थर्ड स्पीड में और प्रैक्टिस लेने वाली हूँ। अब तक के लिए थैंक यू।